इस वक्त मैं इस पटेल नगर में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद के घर के करीब मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहां प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे और इनका साफ तौर से कहना है कि राजकुमार आनंद गद्दार है, इस तरह का नारा ये लगातार लगा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, क्या क्या आरोप है राजकुमार? 2,40,000 जनता को धोखे देने वाले नेता के खिलाफ गद्दारी के नारे लग रहे हैं। गद्दारी क्यों? वो ईडी के डरते, मोदी के डरते, उनके ऊपर ईडी के केस चल रहे हैं, वो इसलिए डरते हमारे। अब जल्दी बीजेपी का दामन थामेंगे, एससी एसटी के केस लगवाते हैं, धमकी देते हैं, अपनी बहु बेटियों को आगे करते हैं, अपने सगों के गद्दार है भाई, गद्दार। नाराज नाराज कायर है, जनता को गर्मी के अंदर प्यासा छोड़ करके भाग गया वो आज ईडी के दम से, पैसों में बिक गया। राजकुमार आनंद ने भाजपा के साथ मिलके, मोदी के साथ मिलके जनता को धोखा दिया। राजकुमार तो कह रहे कि पार्टी भ्रष्टाचार। आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहां प्रोटेस्ट करने आए थे, पुलिस का साफ तौर से कहना है कि यहां धारा 144 लागू है। कुछ ही देर में पुलिस तमाम कार्यकर्ताओं को बस में भरकर यहां से डिटेन करके यहां से ले जा रही है। इन कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहना है कि राजकुमार आनंद ने पटेल नगर की जनता के साथ धोखा किया है, आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया है और ईडी के दबाव में आकर राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया है। जनता माफ नहीं करेगी और जो पार्टी से उन्होंने गद्दारी की है, इसी गद्दारी के विरोध में ये तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए थे। ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ लगा रहे थे। ब्रजेश अशोक चौहान के साथ सुमंत कुमार।